नाज़रीन आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। अमरीका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है दहशत गर्दों और मुजरिमों को पनाह देने से पाकिस्तान को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन अमरीका की शराकत दारी से इस्लामाबाद को बहुत कुछ हासिल होगा। बरतानवी खबरी सादारे के मुताबिक माइक पेंस गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान के गैर एलानिया दौरे पर बगराम एयरबेस पहुंचे, जहां से वो बजरिया हेलीकॉप्टर काबुल गए और सदारती महल में अफगान सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से मुलाकात की। माइक पेंस ने अफगान रहनुमाओं को बताया कि उनकी यहां मौजूदगी इस बात का सबूत है कि अमेरिका यहां की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इस मौके पर अफगान सदर अशरफ गनी ने अमेरिकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा अफगानिस्तान की अमेरिका के साथ शराकत दारी में बहुत सी कुर्बानियां भी शामिल है। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने अफगान सदर से मुलाकात के हवाले से मीडिया को बताया यकीन है हम अफगानिस्तान में फतह से ज्यादा करीब हो गए हैं। उनका मजीद कहना था अमरीका को दरपेश खतरे के खात्मे तक अमरीकी फोर्सेस अफगानिस्तान में रहेंगी। इस मौके पर पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए माइक पेंस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसा लघु लहजा अपनाया और कहा दहशत गर्दों को पनाह देने के दिन खत्म हो गए, पाकिस्तान को अमरीका की शराकत दारी से बहुत कुछ हासिल होगा, लेकिन दहशत गर्दों और मुजरिमों को पनाह देने से बहुत कुछ खोना पड़ेगा। वाज़े रहे कि अमरीका की जानिब से वक्तन फवक्तन पाकिस्तान से अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाता रहा है।